बॉन्डिंग हमेशा किसके अंदर होती है? मेन में। कोडिंग हमेशा किसके अंदर होती है? मेन के फंक्शन से अंदर। तो कोडिंग करने के लिए कहाँ आएंगे? या सही है, आ गए यहाँ। अब अगर मुझे थोड़ा सा कोई एक अच्छा लाइक और फाइव अच्छा याद दिलाए, सी शार्प में अगर कुछ प्रिंट करवाना होता तो कैसे करवाते थे? सी शार्प में, सॉरी सी में। तो मेरे बच्चे समझ गए, मेरे बच्चे समझदार। यहाँ इससे यहाँ प्रिंटर नहीं होता, यहाँ क्या होता है सुनना, हमें प्रिंट करवाना है किस पे? अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पर नीचे क्या आ रही है? हमें किस पे लिखना है? कंसोल पे। कंसोल यानी काली स्क्रीन पे क्या करना है? लिखना है। लिखने के लिए क्या होता है? अच्छा राइट और राइट एलन का फर्क देखते हैं, राइट लाइन और राइट का फर्क देखते हैं। राइट लिया और बेटा जो कोई मैसेज लिखना है वो किसके अंदर लिखना है? इनवर्टेड कॉमा। यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट सी शार्प प्रोग्राम। थर्ड लाइन के आखिर में क्या आएगा? टर्मिनेटर। टर्मिनेटर क्या होगा? एंडिंग। एंडिंग तो होगा, क्या होगा, कौन सा सिंबल होगा? सेमीकॉलन। अभी चलाएं कैसे? अच्छा एक सेकेंड बेटा, यहाँ ना स्टार्ट से मत चलाइए, स्टार्ट से मत चलाइएगा। आप भी कैसे चलाइएगा? कंट्रोल और F5 एक साथ दबाइएगा और फिर चलाइएगा। स्टार्ट से मत चलाइएगा, कंट्रोल F5 एक साथ दबाइएगा फिर चलाइएगा। मैं स्टार्ट से चलाने की वजह क्यों मना करी बता दूँ? अभी चल रहा है ना, ये देख लीजिए। हाँ क्या मतलब, क्या मतलब? और ये प्रेस यानी कि कंटिन्यू हमने लिखा था, तो जो कुछ लिखेंगे कंसोल से वो कहाँ आएगा? यहाँ। अच्छा कंसोल के साथ दो ऑप्शन आए थे, एक राइट लाइन और दूसरा राइट। अब राइट लाइन देखते हैं, राइट से क्या हुआ था वो देख लिया था, लिख लिया था। अब चलाने के लिए दोबारा क्या लगाऊं? कंट्रोल F5। कंसोल F5। इससे कैसे आया? तो राइट और राइट लाइन में बेटा क्या फर्क है? लाइन चेंज हो रही है, लाइन चेंज, राइट लाइन का है। हाँ, तो अगर लाइन चेंज करनी है तो क्या लगाएंगे? राइट लाइन। और राइट चेंज नहीं करनी तो राइट। दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर है?